तो सब्सक्राइब करो, एंड कंटेंट अगर अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज लाइक एंड कमेंट कर देना। टिल देन कीप ट्रैवलिंग। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूँ आपका दोस्त भाविन पंचाल, एंड आई होप आप लोग मॉनसून एंजॉय कर रहे होंगे। सो इस मॉनसून में मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी प्लेस लेके आया हूँ, जो बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली है, नेचर के करीब है और ख़ास करके मुंबई से भी करीब है। यहाँ पर तुम आके मुंबई भूल जाओगे, क्योंकि ये काफ़ी विलेज का टच देगा तुम्हें। ये प्लेस काफ़ी ज़्यादा लाइवली है, यहाँ पे बहुत कुछ एक्टिविटीज़ करने मिलेगा, बहुत घूमने मिलेगा तुम्हें, क्योंकि यहाँ पे ट्रीज़, लेक, डैम एंड ऑल बर्ड्स, ये सब कुछ है। एंड तुम लोग अपने अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ वीडियोज़ बना सकते हो, जो तुम इंस्टा पे अपलोड करोगे। एंड इंस्टा से याद आया दोस्तों, अगर आप लोग हमें फॉलो नहीं कर रहे हो इंस्टा चैनल पे, तो विन विथ विन को फॉलो करो, क्योंकि हम लोग वहाँ पे डेली रील्स एंड अपडेट देते रहते हैं। लोग अभी हॉल्ट हुए हैं, और ये हाईवे पे बीच पे देखो फूड हब है, ये दिखा, और यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे हैं आउटलेट्स, तो आप लोग को बता दो मैं किधर जा रहा हूँ। देखो भाई, स्टारबक्स या फिर सबवे, शिव सागर, देन वहाँ पे स्मिटन लग्जरी चॉकलेट का है, तुम बैठ के भी खा सकते हो। सामने ही हाईवे पे ही लगता है, मैकडी भी है यहाँ पे। तो हम लोग जा रहे हैं मैकडी। से बना है, और ये पेट्रोल पंप के जस्ट पहले ही आता है। एंड जब आप लोग रोड से आओगे, या आप लोग को लेफ्ट साइड में लगेगा, यहाँ पे कोई बोर्ड नहीं है, सो ध्यान से आना। एंड अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आप लोग का सब्सक्रिप्शन और लाइक हमारा मोटिवेशन बनता है। सो गाइस, हम लोग आ चुके हैं हिडन विलेज, एंड ये रहा इसका एंट्री गेट, एंड इन्होंने पार्किंग दे रखा है यहाँ पे, फोर व्हीलर टू व्हीलर्स के पार्किंग है यहाँ पे। एंड एक्चुअली गाइस, जैसे ये नेम है हिडन विलेज, वैसा ही प्रॉपर ये सराउंडिंग है यहाँ पे। सो गाइस, हिडन विलेज में 6 टाइप्स के रूम है, टोटल 28 रूम्स है। एंड बेस्ट पार्ट ये है, इनका वीकडेज और वीकेंड दोनों टाइम पे सेम प्राइस होता है, जिसमें इंक्लूड होता है ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स एंड डिनर। एंड आप लोगों को कोई और भी चीज़ की जानकारी चाहिए होगी, इनका वेबसाइट लिंक तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एंड तो आप लोग वहां से भी चेक कर सकते हो। सो चलो हम लोग अभी बढ़ते हैं विलेज की तरफ। तो गाइस, आप लोगों को बता दूं, बहुत बारिश हो रही है, उसके वजह से यहाँ पे पूरा देख रहे हो कौन कैसा हो गया है, पानी। एंड मैंने भी रेनकोट पहन लिया हो। एंड सेकेंड थिंग ये है, ये इतना बड़ा है कि मैं एक्सप्लोर करने के लिए तुम्हें टाइम बाय टाइम लेके जाऊँगा, एक एक करके, एक एक जगह पे, बिकॉज ये प्रॉपर विलेज की तरह इन्होंने मेंटेन किया है पूरा। तो तुम डाइनिंग में भी देखोगे वो, मैं जब लंच पे जाऊँगा तब तुम्हें डाइनिंग एरिया दिखाता हूँ इनका। सो गाइस, एक एक करके अपन लोग साथ में एक्सप्लोर करेंगे कैसा है। चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। ये देखो कॉटेज, लुक एट दिस वार्ली पेंटिंग्स, ऐसे पेंटिंग्स की है पूरे। एंड ये देखो इनका रिसेप्शन है, यहाँ पे तुम्हें पेमेंट करना होगा। सो चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ रूम की तरफ। हमारा डीलक्स रूम है, वुड साइड 19 नंबर का रूम, तुम्हें ही बताता हूँ। और ये लक्ष्मण भाई है, जो यहाँ के स्टाफ है, थैंक यू लक्ष्मण भाई। सो भाई, ये देखो ये रूम है अपना, वुड साइड 19 रूम नंबर है। एंड ये देखो, आप लोग देख सकते हो, क्वीन साइज बेड है। एंड उसके बाद में यहाँ पे दो जन को बैठने के लिए काउच, और ये टेबल दिया है।
देन आफ्टरवर्ड्स यहाँ से आओगे तो ये बैल्कनी, यहाँ पे भी चेयर रखा है इन्होंने, आप लोग बैठ सकते हो। एंड ये व्यू देखो, प्रॉपर विलेज का व्यू है। एंड अभी बैल्कनी से आओगे तो आप लोगों को प्रॉपर बेड के सामने एक टीवी दिया है इन्होंने और एक लॉन्ग साइज मिरर। एंड देखो बेड के सामने ही प्रॉपर टीवी है। एंड ये रहा एक कबर्ड दिया है जिसमें इन्होंने टी मेकर दिया है और टी है, टी पाउच। एंड देन आफ्टरवर्ड एक कबर्ड दिया है। एंड ये फ्रिज दिया है मिताशी का। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग हर कोई को चाहिए वैसा क्लीन वो है वॉशरूम, देख सकते हो काफ़ी क्लीन है वॉशरूम। दो शावर है, टॉवल दिया है इन्होंने, क्लीन है वॉशरूम पूरा। सबसे बेस्ट पार्ट इस रूम का वो है जकूजी, हॉट वाटर है एंड देन बबल शैम्पू भी ये लोग देते हैं, सो आप लोग बोलोगे तो दे देंगे ये लोग। और जैसे कि आप लोग देख सकते हो, इफ़ आप लोग यहाँ आके जाते हो तो इन्होंने एक गेस्ट फीडबैक फॉर्म रखा है जो आप लोग को फिल करना है, देना है। एंड देन आफ्टर मेन्यू जो रीज़नेबल ही, इतना महंगा नहीं है। एंड कुछ नोटिस इन्होंने दिया है जो बहुत ही अच्छा लगा मुझे देख कर, ये कि कैसे टिपिंग देना है, देन यहाँ के सराउंडिंग के कुछ चीज़ें, देन सर्विस चार्ज एंड ऑल, देन आफ्टरवर्ड स्पा के कुछ रेट्स है यहाँ पर। सो लंच का टाइमिंग हो रहा है तो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ लंच के लिए। तो गाइस हम लोग लंच के लिए आए, सो देख सकते हो आप लोग तो, जैसे लंच का इनका है ये शेड है जिसमें पूरा लंच का होता है अरेंजमेंट। सो देखते हैं क्या क्या है लंच में। देखो ये भाकरी है, चपाती है, पालक अचार है, हाँ पालक काकड़ी गाजर सलाद, ये सब अनलिमिटेड है ना भाई, सब अनलिमिटेड है बस। और ये क्या है, राइस, दाल, पालक पनीर, बैंगन भरता, आलू गोभी, और ये भी सब अनलिमिटेड है। और वेज अगर कोई रहा तो उसको नॉनवेज नहीं मिलेगा, नॉनवेज कोई रहा तो जिसको ऐसा कुछ है क्या, नहीं है मतलब दोनों खा सकते हैं भाई। और ये क्या करिए, चिकन करिए, एग करिए, फिश फ्राई, ओके ये फिश फ्राई, पापड़। और आप लोग देख सकते हो गाइस ये देखो अच्छी तरह से इन्होंने मेंटेन किया पूरा। एंड एक और चीज़ यहाँ पे इनके पास फिश में है जो अवेलेबल होते हैं एक्स्ट्रा कॉस्ट पे, एंड इन्होंने नोटिस लगाया डोंट वेस्ट फूड। एंड इनका पीछे साइड देख सकते हो आप लोग, किचन है कैसा है, कल्चर फॉलो कर रहे हैं लोग विलेज का पूरा। सो गाइज ये है हिडन विलेज का प्ले एरिया जो काफ़ी बड़ा है, और यहाँ पे गेम देखो आप लोग, पूल बॉल है, चेस है, टेबल टेनिस है, फूसबॉल है, कैरम है। सो देख सकते हो आप लोग कितना बड़ा ही है, खेल के देखते हैं। सो गाइज आप लोग देख सकते हो ये हिडन विलेज का स्विमिंग पूल है, ये कितना बड़ा है ये आप लोग देख लो, और दैट्स अ ह्यूज वन, बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है। एंड वहाँ पे उन लोगों का फिल्टर होता है कुछ वाटर, वो सेक्शन है। सो गाइस देखो ये है हिडन विलेज का नेचुरल वाटरफॉल, एंड ये कितना ब्यूटीफुल है आप लोग ही देखो, कैसे लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, ये सब फोटोज क्लिक कर रहे हैं। इफ़ आप लोगों को क्लोरीन से एलर्जी है सो आप लोग यहाँ नेचुरल वाटर में भी मज़े कर सकते हो। सो गाइस ये हिडन विलेज का स्पा है, चलो दिखाता हूँ तुम्हें कैसा है। सो ये इनका काउंटर है, एंड देन आफ्टरवर्ड यहाँ पे लेडीज एंड जेंट्स दोनों का है। सो पहले जेंट्स का बताता हूँ मैं तुम्हें, ये देखो ये इधर मास्टर है, आपका नाम भाई सनी, ये देखो ये रहा। एंड देन आफ्टरवर्ड यहाँ पे मैनिक्योर पेडिक्योर भी होता है, ये जेंट्स का था। एंड
आप लोग देख सकते हो इनके पास सारे प्रोडक्ट्स नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। ये देखो ये लेडीज सेक्शन है, ये रहा इधर भी मैनीक्योर पेडीक्योर का है, देन आफ्टर वर्ड बेड्स। सो लेडीज एंड जेंट्स का रूम ऑलमोस्ट सेम ही है, सो आप लोग ट्राई कर सकते हो। Hey, hi babes. Hi. ये क्या है? ये है स्टैमियो के हेयर प्रोडक्ट्स। इन प्रोडक्ट्स में 5 तरीके के पाउडर्स हैं, जिसमें है रीटा, शिकाकाई, प्रिंगराज, आंवला एंड हिबिस्कस। ये पाउडर्स केमिकल फ्री है और नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने हुए हैं, सो दे आर वेरी मच प्योर एंड हेयर के लिए बहुत ज्यादा अच्छे। वाओ, प्रोडक्ट तो काफी अच्छा है, बट यूज कैसे करते हैं इसे? आप लोग को 1 टेबल स्पून हर एक पाउडर का मिक्स करना है। आपको थोड़ा सा पानी इसमें मिक्स करना है, या फिर आप लोग ऑयल भी मिक्स कर सकते हो। अगर आप लोगों को ऑयल अलग से अप्लाई करने में टाइम नहीं मिलता है या कोई दिक्कत है, तो आप लोग इसी में ऑयल भी मिक्स कर सकते हो। प्रेफरेबली कोकोनट ऑयल ही मिक्स करना। एक फाइन पेस्ट बनाओ, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके। आपके हेयर के लेंथ के अकॉर्डिंग आप लोग प्रोडक्ट ले सकते हो। हमारा पेस्ट बन के रेडी है। काफ़ी ज़्यादा पतला या काफ़ी ज़्यादा थिक भी मत करना। हेयर मास्क आपको हाफ एन आवर तक रखना है अपने बालों पर, और उसके बाद आप लोग वॉश कर सकते हो। स्टैमियो का ही बाउल और स्टैमियो का हेयर ब्रश है, आप इस हेयर ब्रश के थ्रू अपने बालों पर अप्लाई कर सकते हो। ये हेयर ग्रोथ के लिए हेल्प करता है और डैंड्रफ कंट्रोल करता है, और साथ ही साथ हेयर फॉल भी कंट्रोल करता है। उसके अलावा दिस कैन बी यूज्ड बाय बोथ मेन एज वेल एज वुमेन। इट इज़ यूनिसेक्स और इट इज़ इजीली अवेलेबल इन अमेजन। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगी, और बहुत ही ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली है। सो गाइस, स्नैक्स में बिस्किट एंड भेल था, एंड डिनर ऑलमोस्ट लंच की तरह सेम ही था। सो मैं कल मिलता हूँ, तो मैं कल का बताता हूँ क्या है। सो गुड मॉर्निंग गाइस, इट्स आवर सेकंड डे, आज चेकआउट करना है हमें। सो उसके पहले हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए आए हैं। सो तुम्हें बता दो ब्रेकफास्ट में क्या क्या है? पाव, मिसल, बटाटा वड़ा जो बहुत ही गर्म है, देन दो टाइप की चटनी दी है, देन एग बुर्जी एंड पोहा है। सो ब्रेकफास्ट भी अच्छा ही है। सो ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ, उसके बाद तुम्हें ट्रैवलिंग का बताता हूँ कैसे आना है एंड ऑल। सो बने रहो वीडियो में। सो आप लोगों को मैं ट्रैवलिंग का बता देता हूँ। हम लोग मुंबई से यहाँ पे आने के लिए बाय रोड आए थे, जिसमें हमें 95 किलोमीटर्स था, और हमने वो 3 आवर्स में यहाँ पहुँच गए। सो आप लोग चाहिए तो बाय रोड भी आ सकते हो, अदरवाइज़ आप लोग बाय लोकल ट्रेन भी आ सकते हो। लोकल ट्रेन से आने के लिए आपको अतगाँव करके स्टेशन है, वहाँ पे उतरना पड़ेगा, और वहाँ से तुम्हें लोकल रिक्शा लेना पड़ेगा जो प्रॉपर यहाँ पे गेट पे छोड़ेगा। और गाइज, अगर आप लोग बाय रोड आ रहे हो, तो यहाँ पे पहुँचने के बाद आप लोगों को एक इसार पेट्रोल पम्प दिखेगा, उसके पहले ही जस्ट बाजू में ही बैम्बू का एक गेट बना हुआ है, और उसी के अंदर तुम्हें आना है। बिकॉज़ यहाँ पे कोई भी होर्डिंग इन्होंने लगाया नहीं है, जैसा नाम हिडन विलेज है वैसा ही इन्होंने रखा है। आप लोगों को एक बात बता दूँ, आप लोग अगर आ रहे हो यहाँ पे लोकल ट्रेन से, जो अतगाँव से आप लोगों को रिक्शा मिलेगी, जो 100 रुपीज़ चार्ज करती है यहाँ पे पहुँचाने के लिए, और तुम देख सकते हो इस गेट पे तुम्हें पहुँचा देगी। सो गाइस, इट्स एंड ऑफ आर ट्रिप, एंड आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा। हमने भी बहुत एंजॉय किए। एंड गाइस, ऑनेस्टली बता दूँ आप लोगों को, यहाँ के फूड जितने ऑथेंटिक थे, इतना मस्त था। एंड देन आप लोग, यहाँ की सराउंडिंग बहुत ही क्लीन, बहुत ही बेस्ट है सराउंडिंग। एंड देन आफ्टरवर्ड, यहाँ पे इतने सारे एक्टिविटीज़ थे, तो कुछ पता ही नहीं चला टाइम कैसे चला गया। एंड ऑनेस्टली यहाँ के स्टाफ दे वर क्वाइट हेल्पफुल एंड बहुत ही काइंड है। सो आप लोगों ने देखा होगा, मैंने सारी डिटेल्स दे दिया हो, तो उसी तरह से यहाँ विजिट करो। एंड आप लोग अगर यहाँ पे आओगे, तो प्लीज़ यू कैन टैग अस ऑन विन विद विन, सो वी कैन रीपोस्ट इट फॉर यू। एंड आप लोग अगर चैनल पे न्यू हो, तो सब्सक्राइब करो। एंड कंटेंट अगर अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट कर देना। एंड अगर आप लोग कोई भी कन्फ्यूजन हो, तो प्लीज़ कमेंट, हम लोग रिप्लाई दे देंगे। टिल देन, कीप ट्रैवलिंग।